हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल डी टू आर स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में, यानी कि दोस्तों उत्तल लेंस में कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, किस प्रकृति का बनेगा, इनसे जुड़ी सारी बातों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए उत्तल लेंस में हमें देखना है कि कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक आभासी सीधा उल्टा ऐसे। तो यहाँ पर आपको छह कंडीशन आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो उत्तल लेंस देखेंगे, चित्र के साथ हम लोग देखेंगे कहाँ बन रहा है कैसे, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में रटना ना पड़े आपको। तो फर्स्ट हम कंडीशन देखते हैं वस्तु को। देखिए फर्स्ट मान लेते हैं वस्तु को रख देते हैं फोकस पर, फोकस रख ध्यान देना, फोकस पर रख देते हैं। मान लीजिए देखिए उत्तल लेंस ऐसे पाल यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे उत्तल लेंस मान लेते हैं, और यहां से मान लीजिए प्रधानक्ष, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं दोस्तों कि जब वस्तु कहां रखा जाए, जब वस्तु फोकस पर, देखते हैं कि फोकस पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे एक F1 होगा और यहां पे एक आपका 2F1 होगा, और इस साइड भी इतना ही दूरी पर यहाँ मान लीजिए O पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ आपका F2 होगा और यहाँ आपका 2F2 होगा। ये जो 2F2 आपका वक्र त्रिज्या के बराबर है, ये दिया, ये F1 फोकस है, मुख्य फोकस। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करते हैं, वस्तु को रखें ना, तो वस्तु को यहाँ पे आप रख दीजिए। तो वस्तु को रख देते हैं, मान लीजिए वस्तु का है नाम A और यहाँ पे V। तो वस्तु दोस्तों यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे प्रकाश आपका जाएगा और यहाँ से ऐसे घी देते हैं बीच में, तो यहाँ से प्रकाश आएगा, और यहाँ जैसे जब प्रकाश आएगा तो यहाँ पे टकराएगा, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, बाहर वाला माध्यम मान लीजिए वायु होगा, ये लेंस शीशा का बना होगा मान लीजिए कांच का, तो ये यहाँ से अगर टकराएगा ना, तो यहाँ से टकराएगा तो ये आपको यहाँ से चलाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से तो एक किरण गए किया, इससे एक नीचे से भी किरण आता है, ये प्रतिबिंब बनाने का बहुत आसान तरीका है। एक तो ऊपर से भी जाएगा किरण, एक नीचे से आता है मुख, यहाँ पे क्या यहाँ से जाएगा, जो है मेन प्रकाशी केंद्र इसको बोलते हैं, तो यहाँ से जाएगा आपको एकदम सीधा चला जाएगा। तो आप बताइए दोस्तों कि जब यहाँ से मैं प्रकाश को भेज रहा हूँ तो कहीं पे काट ही नहीं रहा, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो प्रकाश की किरण काटता है, जहां से स्रोत उत्पन्न हो रहा है जहां पे काटेगा वही तो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यहाँ पे काट ही नहीं, देखिए समानांतर जा रहा है, पैरेलल दूरी समान है, कभी नहीं काटेगा, जाएगा अनंत तक जाएगा, कटे भी नहीं करेगा, तो इससे स्पष्ट होता है कि नहीं काटेगा, यानी कि प्रतिबिंब आपको अनंत पर बनेगा, पता ही नहीं था अनंत पर बोलेंगे, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब होगा अनंत पर बनेगा। तो यहां से वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। अब देखिए दोस्तों, जहां मान लीजिए कहीं पर काटा होगा तो ये नीचे जाएगा, तो डॉट डॉट मिलाएंगे तो यहां से मिलाएंगे ना, तो ऊपर जाएगा तो ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि अनंत पर बन रहा तो प्रतिबिंब बड़ा ही बनेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, जब वस्तु फोकस पर है तो वास्तविक तो बनेगा ही दोस्तों, वास्तविक बनेगा आपका, उल्टा भी बनेगा, क्योंकि देखिए ये आपका ए भी है और यहां से जाएगा दोस्तों, तो ये आपको क्या होगा, बी आगे ये नीचे रहेगा ये ऊपर रहेगा, यानी कि इसका उल्टा बनता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, और कहाँ पे बनेगा दोस्तों, अनंत पर बनेगा, यानी कि देखिए आपको ये ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, 12th 10th दोनों के लिए है, कंपटीशन जो पढ़ रहे हैं उनके भी लिए, पर बोल देगा कि वस्तु फोकस बनेगा तो वस्तु कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या छोटा बनेगा कि बड़ा, तो बड़ा बनेगा, और कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो इसको आप याद रखिए, देखिए मैं आपको लाइव दिखा दिया हूँ किस तरह से बन रहा, भी रटने का कोई झंझट नहीं, ये तो दिक्कत नहीं आपको। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकंड नंबर, यहाँ पे सेकंड मान लीजिए मैं वस्तु को दोस्तों रख देता हूँ कहाँ पे, मान लीजिए रख देता हूँ यहाँ पे अनंत पे रखता हूँ अभी इस बार, ठीक है, अनंत पर रखता हूँ, आपका छह कंडीशन आएगा। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए इसे रेखा घी देते हैं और यहाँ से प्रधानच बीचो बीच, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए ये आपका वो है, यहाँ पे मान लीजिए आपका F1 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका 2F1 है और यहाँ पे आपका F2 है और यहाँ पे आपका 2F2। अब वस्तु को मान लीजिए अनंत पर रखें तो अनंत पर मुझे पता नहीं, तो अनंत से प्रकाश की किरण ऐसे आएगा और ये आपका फोकस से होते हुए चला जाएगा, किरण मान लीजिए आ रहा और यहाँ से चला गया। अब और मान लीजिए प्रकाश की किरण लाना चाहते, तो मान लीजिए मैं यहाँ से लाया हूँ और यहाँ से ये भी आपको टकरा जाएगा और ये भी आपका ऐसे चला जाएगा, और भी मान लीजिए किरण लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐसे लाइएगा और यहाँ से आपको ऐसे कर देना होगा। तो देखिए जब भी वस्तु अनंत पर है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ पता नहीं अनंत पर,
इसे तो कहीं दर्शा नहीं सकते। तो जब वस्तु अनंत पर रखा गया दोस्तों, तो देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण आ रहा है और ये फोकस से होकर जा रहा है, यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है फोकस पर बन रहा है, ठीक है। अब प्रतिबिंब जो बन रहा है दोस्तों फोकस पर, ये जो प्रतिबिंब आपको जो बनता है बहुत ही छोटा बनता है, बहुत छोटा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक तो बनेगा ही, उल्टा भी बनेगा, बहुत छोटा रहेगा, दर्शाए नहीं थे, यहाँ पे पता नहीं चल रहा आपको, ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, पता चल गया ना, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, जब भी वस्तु को अनंत पर रखेगा तो फोकस पर ही बनेगा, ये तो हमारा हो गया सेकंड। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, थर्ड मान लीजिए वस्तु को हम यहाँ पे 2F1 और F1 के बीच में रख देते हैं, तब देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे मान लीजिए मैं लेंस को ड्रा कर लेता हूँ ऐसे, यहाँ से प्रधान अक्ष को घुरा दिया ना, मैं O मान लेता हूँ, और यहाँ से मान लीजिए मैं F1 मान लेता हूँ, और यहाँ पे आपका 2F1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए आपका F2 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 2F2 दिया हुआ है। वस्तु को मान लीजिए मैं रख रहा हूँ 2F1 और 2F1 के बीच में, तो यहाँ से आप वस्तु को ऐसे भेजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए वस्तु आपका A और यहाँ से B दिया हुआ है, यहाँ से किरण गया, तो किरण जाएगा तो पहले तो ये फोकस होकर जाएगा, ये तो बात पक्का है, ऐसे इसको मिला देते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ से तो एक किरण यहाँ से भी तो जाएगा, उससे ना होते हुए यहाँ से आपको जाएगा ऐसे, यहाँ से आपको ऐसे जाएगा, यहाँ पे काटेगा, तो देखिए यहाँ पे काटेगा दोस्तों, तो वस्तु को मिलाएगा तो आपको यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये बी है नीचे, तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, बी यहाँ पे चलाएगा आपको, ए यहाँ पे चलाएगा, यहाँ से बी है और यहाँ से ए है, ठीक है। बी नीचे है ना, तो नीचे बना तो ए नीचे आ जाएगा ना, बी तो ऊपर रहेगा जस का तस। अब देखिए कि बस 2F1 मेरा यहाँ पे है और F1 मेरा यहाँ पे है, तो वस्तु जो बन रहा है दोस्तों 2F1 के बाहर बन रहा है, यहाँ पे बनना बाहर बन रहा है, यानी कि अनंत पर बन रहा होगा, अनंत और 2F1 के बीच बन रहा है ये वस्तु, जब यहाँ पे रखे हैं तब यहाँ से बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जब वस्तु क्या बोल सकते हैं 2F1 तथा F1 के बीच हो, समझ रहे बात को, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों, यहाँ पे बन रहा है ना 2F2 तथा अनंत के बीच, क्योंकि 2F2 के बाहर है, यदि अंदर में रहता तो F1 लिखते, 2F2 तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए वस्तु जो बन रहा, देखिए ये छोटा था लेकिन ये बड़ा बन रहा, आप देख सकते हैं खुद देखने की चीज है ये, तो क्या बन रहा, बड़ा बन रहा। जब बड़ा बनेगा दोस्तों यहाँ पे देखिए उल्टा बना है, चूंकि ए भी है, ए ऊपर है, यहाँ पे नीचे आ गया, यानी कि उल्टा बनेगा, जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों तो आपको वास्तविक कहलाता है, यानी कैसे ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बना सकते हैं आप सोच समझ के, आपको रटने की जरूरत नहीं है। फोन नंबर देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, जब मान लीजिए प्रतिबिंब को मैं दोस्तों ये तो 2F1 F1 के बीच रहा, अब मान लीजिए मैं प्रतिबिंब को रख देता हूँ यहाँ पे O और F1 के बीच में, यानी कि बोल सकते हैं जब वस्तु O तथा F1 के बीच हो तो, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये आपका समय है, तो देख लेते हैं, पहले तो हम लोग लेंस पा लेंगे, लेंस हमारा ऐसे है, यहाँ से O मान लेते हैं, यहाँ से आपका मान लीजिए F1 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका 2F1 है, और यहाँ पे आपका F2 है, और यहाँ पे आपका 2F2, कोई दिक्कत, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से देखिए यहाँ से एक ए भी मान लीजिए वस्तु ए है और यहाँ से बी है, इसको किरण को भेजेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा आपका फोकस होकर चला जाएगा। अब वस्तु क्या आएगा दोस्तों, एक तो आपका वक्ता यहाँ पे ओ से जाएगा प्रकाशीय केंद्र से, तो ये आपका चलाएगा। अब देखिए दोनों की मिलाइएगा दोस्तों, यहाँ से मिलाइएगा तो ऐसे डॉट डॉट करके, और इस जो किरण है इसको मिलाइए डॉट डॉट करके, तो देखिए यहाँ पे आपको काट रहा है वस्तु को, कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यानी कि जो वस्तु जो है आपको यहाँ से बन जाएगा,
यहाँ पे देखिए, ये मैंने देखिए ये मैंने मिलाया नहीं हूँ, मिलाया ऐसे किरण आया नहीं है, इसको मिलाया गया है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। जब वस्तु को डॉट डॉट से मिलाते हैं प्रतिबिंब को, तो ये हमारा आभासी बनता है। तो ये आपका ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, यानी कि जब वस्तु को दोस्तों प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। देख रहे हैं कि छोटा से बड़ा बन रहा है, यानी कि बोल सकते हैं प्रतिबिंब बनेगा कैसा, आभासी, बड़ा और कैसा, सीधा बन रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है, जिधर वस्तु था उधर ही बन गया, यानी कि वस्तु की ओर। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं दो बच्चा उसको लिखता हूँ, देखिए सारा मैं बता दें, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले। तो देखिए दोस्तों हमारा चौथा के बाद क्या आ जाएगा, पांचवा। पांचवा देखिए क्या, तो वस्तु हमारा रख दिया। अब मान लीजिए वस्तु को तो हम रखते क्या आ जाए, पता आपको, टू F1 पर रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रखे नहीं है, तो देखते हैं रखकर कहाँ बनता है। यानी लिख देते हैं यहाँ पे वस्तु टू F1 पर, यानी कि वक्रता त्रिज्या हो, तो यहाँ पे एक मैं लेंस पा लेंगे, ड्रा कर लेंगे ऐसे, वो है यहाँ पे मान लीजिए आपका F1 दिया हुआ, और यहाँ पे आपका मान लीजिए 2F1 दिया हुआ, और यहाँ पे आपका F2 दिया हुआ, और यहाँ पे आपका 2F2 दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले वस्तु को यहाँ पे रखे ना 2F2 पर, 2F1 पर, ये भी मान लीजिए वस्तु आप, और यहाँ से प्रकाश को ऐसे लाए हैं, ये आपको तो F1 से जा गए, तो बात तुम कोई दुमत नहीं है। अब यहाँ से एक किरण को O से भेजिए, यहां से चला जाएगा, तो यहां से आपको काटेगा दोस्तों, तो यहां से आपको बनेगा देखिए 2F2 यहां पे ले लेते हैं, तो यहां पे देखिए वस्तु बन रहा है। तो देखिए वस्तु आपको बड़ा बनेगा ऐसा पता नहीं आपको, जब ग्राफ आपको बनाइएगा आप जब दोस्तों स्केल से, तो आपको सही बनेगा, ठीक है। तो यहां पे ए आपको नीचे हो जाएगा, ये बी तो ऊपर आएगा। तो देखिए यहां पे क्या बन रहा है, देखिए उल्टा बन रहा है वस्तु, ए भी है उल्टा बन रहा, 2F2 पर ही बन रहा है, जहां पे था वहीं पे बन रहा है रखने पर, यानी कि जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो वस्तु 2F2 पर बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब आपका। अब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है, अब वास्तविक बन रहा है, क्योंकि एकदम किरण सीधे गया वही मिलकर बन गया, तो डॉट डॉट तो नहीं किए, इसलिए लिख देंगे हम क्या प्रतिबिंब कैसा बन रहा है दोस्तों, वास्तविक, फिर क्या बना रहा है, उल्टा, क्या बनाना, बराबर, यानी बराबर का मतलब वस्तु के बराबर बन रहा है। अब कहाँ बन रहा है दोस्तों आपका, 2F2 पर बन रहा है, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं हमारा 6 नंबर, 6 में क्या दोस्तों, मान लीजिए वस्तु का हम लोग तो हो गया, अब मान लीजिए वस्तु का हम लोग अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं, ठीक है, ये तो नहीं रखे अभी, तो अनंत और 2F1 के बीच मान लीजिए वस्तु को रख देते हैं, तो कहाँ बन रहा देखते हैं, ये मान लीजिए हम ओ है आपका, यहाँ से आपका F1 है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 2F1 है, और यहाँ आपका मान लीजिए F2 2F2। तो वस्तु को मान लीजिए दोस्तों आप अनंत और 2F1 के बीच में रख देते हैं, तो यहाँ पे मैं वस्तु रख देता हूँ, ए भी वस्तु है, तो यहाँ से आपका किरण ऐसे आएगा, और ये आपका F2 से होकर चला जाएगा। अब वस्तु यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से जाएगा किरण, यहाँ से आपको कैसे चलता, देखिए ये वस्तु को आप काटे हैं तो यहाँ पे बन गया है, चूंकि 2F2 हमारा यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे, तो ये वस्तु चूंकि 2F2 के बाहर बन गया है, तो वस्तु को हम लोग बोल सकते हैं, जब वस्तु को हम लोग अनंत और 2F2 के बीच में रखे हैं, ठीक है, तो अनंत और 2F2 के बीच में रखे, तो यहाँ वस्तु देखिए F1 यहाँ पे हो जाएगा, 2F2 ये बाहर हो जाएगा आपका, जब पेंसिल से बनाइएगा तो आपको एकदम सही बनाया था, ये 2F2 चूंकि बाहर है, और बस पर 3 जो बन रहा है आपको अंदर में बन रहा है, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये ए डैश नीचे हो जाएगा, ये बी डैश। देखिए वस्तु जो वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखे, तो वस्तु कहाँ बन रहा है, 2F2 और फोकस के बीच बन रहा है, यानी कि जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे तो हमारा वस्तु 2F2 और F2 के बीच बनेगा। यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जब अनंत रखेंगे तो कहाँ पे, फोकस F1 F2 तथा 2F2 के बीच कैसा बन रहा, वास्तविक बन रहा है, क्योंकि सीधी रेखा से बना है, डॉट डॉट से नहीं बना है, उल्टा बन रहा, और देखिए यहाँ पे छोटा बनेगा, ठीक है, अब जब पेंसिल से बनाएगा तो ये बहुत आपका छोटा बनेगा। बहुत छोटा बनेगा, तो इस तरह से बना सकते हैं प्रतिबिंब को। मैं आपको सारा दिखा दिया हूँ चित्र के साथ कि कैसे प्रतिबिंब बनता है और कहाँ कैसे बनता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बस याद कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से आपको दोस्तों क्लास 10th में पूछा भी जाता है प्रश्न 5 नंबर में,
प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में, इसलिए मैं लाया था ताकि आप जान सकें। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, साथ साथ चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि ऐसे समय पर वीडियो आपके सामने पहले पहुँचते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।